हेलो एवरीवन, आई एम योर टीचर फॉर दिस क्वेश्चन. लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू यू नाउ. सिंप्लीफाई 3x माइनस 4 ब्रैकेट 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस 2x माइनस 1 ब्रैकेट 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5. यहाँ पे देखिए, आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है या एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसको आपको सिंप्लीफाई करना है. इक्वेशन है आपका 3x माइनस 4 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1 ब्रैकेट 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5. ये आपके पास एक इक्वेशन है. तो देखिए, आप इसको सिंप्लीफाई करते कैसे है. लेट कर लेंगे हम यहाँ पे a इज इक्वल टू जो आपकी फर्स्ट टर्म है, इसको हमने यहाँ पे a मान लिया है. एंड सेकेंड टर्म को इसी तरह हम यहाँ पे बी कंसिडर कर लेंगे. तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ए को सोल्व कराते हैं. 3x की मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कराएंगे अंदर. 3x की मल्टीप्लाई सबसे पहले 2x स्क्वायर के अंदर कराएंगे. तो जो हमारे नंबर है, नंबर के साथ मल्टीप्लाई होंगे और वेरिएबल वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये आप सभी जानते हैं. तो देखिए, 3x की मल्टीप्लाई जब हम 2x स्क्वायर के अंदर कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 6x की पावर 3. इसी तरह 3x की मल्टीप्लाई माइनस 5x के अंदर कराएंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 15 माइनस 15x स्क्वायर. इसी तरह 3x की मल्टीप्लाई प्लस 1 के अंदर कराएंगे तो आपका आ जाएगा प्लस 3x. नाउ माइनस 4 की मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर के अंदर कराएंगे तो यहाँ पे आपका आएगा माइनस 8x स्क्वायर. नाउ माइनस 4 की मल्टीप्लाई माइनस 5x के अंदर कराएंगे तो यहाँ पे आपका आएगा प्लस 20x. इसी तरह माइनस 4 की मल्टीप्लाई प्लस 1 के अंदर कराएंगे तो यहाँ पे आएगा आपका माइनस 4. नाउ यहाँ पे देखिए, जो हमारे लाइक टर्म है उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. जैसे माइनस 15x स्क्वायर है एंड माइनस 8x स्क्वायर है, इनको हम दोनों को ऐड करा देंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस 23x स्क्वायर. तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 3x प्लस 20x, दिस इज़ अवर 23x माइनस 4 आपका यहाँ पे बच जाएगा. अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, आपको जो सेकंड टर्म था उसको b मानना है. b इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5. ये हमारा सेकंड टर्म है. तो यहाँ पे देखिए, सेकंड टर्म के अंदर 2x की मल्टीप्लाई फिर से हम 3x स्क्वायर के अंदर कराएंगे तो यहाँ पे 6x की पावर 3 बन जाएगा. नाउ 2x की मल्टीप्लाई प्लस 7x के अंदर हम कराएंगे तो यहाँ पे देखिए प्लस 14x स्क्वायर आपका हो जाएगा. नाउ 2x की मल्टीप्लाई माइनस 5 के अंदर कराएंगे तो माइनस 10x हो जाएगा. इसी तरह माइनस 1 की मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर के अंदर कराएंगे तो माइनस 3x स्क्वायर आपका हो जाएगा. फिर आपका माइनस 7x हो जाएगा एंड देन प्लस 5 हो जाएगा आपका. अब देखें यहाँ पे क्या करना है, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है. 6x की पावर 3, अब देखिए 14x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर है यहाँ पे. तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, देखिए 14x स्क्वायर है एंड आपको क्या करना है यहाँ पे, मतलब माइनस करना है 3x स्क्वायर को. तो ये सिंपली आपका प्लस 11x स्क्वायर बच जाएगा. नाउ 10x माइनस 10x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये माइनस 17x हो जाएगा प्लस 5. अब देखिए हमारा यहाँ पे इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको कराना है a माइनस बी, मतलब a को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब a माइनस बी करना है हमको. तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, a माइनस बी जब हम कराएंगे तो हमारा यहाँ पे निकल के क्या आएगा, 6x की पावर 3 माइनस 23x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 4. अब देखिए सब्ट्रैक्ट कराना है तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, 6x की पावर 3 प्लस 11x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 5. इस माइनस की मल्टीप्लाई सभी के अंदर होगी, सभी टर्म के पास ही माइनस जाएगा एंड सभी के जो साइन है वो चेंज कर देगा.
तो वो चेंज करना ज़रूरी होता है वरना कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी। अभी देखिए यहाँ पे -6x^3 -11x² + 17x - 5 ये आपका यहाँ पे बन जाता है। नाउ यहाँ पे देखिए 3x² से आप ये 6x² x^3 से 6x³ कैंसिल आउट आपका हो गया। नाउ यहाँ पे देखिए 23x² ये माइनस के है एंड -11x² है, तो ये आपका हो जाएगा -34x², ये आपका यहाँ पे हो गया। नाउ 23x + 17x है आपके पास, तो ये आपके हो जाएंगे 40x। नाउ -4 - 5 दैट इज -9, तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा। हैंस जो आपकी ये इक्वेशन थी 3x - 4 2x² - 5x + 1 - 2x - 1 3x² + 7x - 5 इज इक्वल टू -34x² + 40x - 9। यही हमको यहाँ पे निकालना था, इसी को सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।